अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और उनके हजरात, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा चेंज आया है। अच्छा तो यार बताओ हम कहाँ पे हैं? यार इस टाइम हम मौजूद हैं जोर टाउन जीवन में और हम एक आज रिव्यू जो करने आए हैं, आपको टाइटल देख के तो पता चल गया है लेयर्स का, यहाँ की हाइप लाहौर ये जानते हैं कि क्या है। बाकी हर बर्गर बच्चा इसकी स्टोरी लगा रहा भाई, हर बर्गर बच्चा। आज हम भी यहाँ पे स्ट्रीट फूड बर्गर बनने आए हैं, बाकी अब्दुल रहमान को भी बोलने का थोड़ा सा मौका दे। नहीं यार ब्लॉग करना इज नॉट द बर्गर टाइप थिंग, वो तो स्टोरीज डाल के लोगों को बता देंगे भाई ये सीन है। हम बेसिकली वो जानना चाह रहे हैं बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है इसकी कि भाई इतनी क्यों हाई मिली है, तो चलें मिलके इसको फाइंड आउट करते हैं। फाइनली वी आर आउटसाइड, ये हम इंशाल्लाह कल कर देंगे पोस्ट। हम वीकली करते हैं संडे, वीकली करते हैं संडे के संडे। अंदर खाना लाओ है ना, अंदर खाना इसलिए हम बाहर ही करेंगे। ये उनसे पूछ लो कि इसकी हाइप क्यों है। और ये अच्छा आप एक बात बताएंगे कि अच्छा जब ये नई नई ब्रांचेस खुली थी तो लोगों की लाइनें लगी हुई थी, तो इसकी बेसिकली हाइप किस तरह करिए? हाइप का रीज़न ये है कि क्वालिटी हमारी बहुत शायद कंपेयर टू अदर बहुत ज़बरदस्त है और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और एस ओ पी वगैरह जो है हम फॉलो कर रहे हैं। और लाइन की रीज़न बेसिकली है कि यहाँ पे बहुत रश हो जाता है और रश के दौरान मैक्सिमम कस्टमर हम डील नहीं कर पाते हैं। थ्री कस्टमर अलाउड हमने इसलिए किया, बट बात का ये होता है लाइन लगी होती है, कस्टमर प्रेशर की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम 5 अंदर चले जाते हैं। भाई हमने डिसाइड किया कि एक हम ये ले रहे हैं और एक हम ये वॉलनट कप पाई करवा रहे हैं, एक हम करवा रहे हैं ये क्लासिक कप के ये करवा रहे हैं, और एक हम कप वो करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। ये नज़र आ गई, हाँ अब बताओ स्टार्ट कर देते हैं वाली। अच्छा ये वाली है, ये करवा लो। हाँ ये करवा लेते हैं, और एक ये करवा लेते हैं, एक ये कर लें और एक ये कर जी। हाँ जी हाँ जी और एक ये अच्छा तो यार हमने अपना ऑर्डर आप लोगों ने देख ही लिया कि हमने अंदर क्या मंगवाया था, ठीक है वो अब हमारे सामने आ गया। आज हम आए थे बाइक्स पे तो वो हमें बाहर इधर खड़े होके खाना पड़ा क्योंकि अंदर अलाउ नहीं, तो अब यहाँ पे इसका रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सूट है आला। इसको देख रहे हैं आप, इन्हें बाज नहीं आना। अच्छा यार इसके साइड में ना वो पेपर है, लगता नहीं देखने में, लगता ऐसे जाते डायरेक्ट चॉकलेट है। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि यार इसका नाम मुझे भूल चुका टोटो, मुझे खाने से मतलब। चलो यार शुरू करते हैं, करो जी। यार प्योर चॉकलेट है, क्रीम नहीं है, चॉकलेट। अब केक के साथ खाते हैं, एक मिनट। यार ये जब हाइप पॉपुलरिटी और जो हाइप है ना आजकल, ये कह रहा है कि वाकई ये डिजर्व करते हैं। अब आपका भाई खाएगा और बताएगा कि क्या सिनेरियो है। अच्छा यार अब जो मेरे पास है वो है क्लासिक चॉकलेट वाला, ठीक है तो अब मैं इसको ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अब्दुल रहमान ने जो तरीफें की हैं वो वाकई शोर आपको बड़ा आ रहा होगा यार। उसके लिए माजरत, मजबूरी है हमारी यार, क्या करें, रोड साइड है। मुझे खा लेने दो यार, परफेक्शन है, बहुत फ्रेश किस्म का टेस्ट है। मैं फजूल तारीफ नहीं करता लेकिन खा के ना दिल खुश हो जाएगा आपका एक दफ़ा यार, वाकई मज़ा आ गया। अब मुझे भी खा लेने दो। आप देख सकते हैं वॉलनट केक वॉलनट पाई कप। हाँ तो इसके ऊपर इन्होंने वॉलनट डाली हुई, जैसा कि नाम से पता चलता है। तो चलें इसकी पहली बाइट लेते हैं, देखते हैं कि इसकी कैसी वाइब है। एक ये एक यूनिक किस्म की चीज़ है, तो मैंने लाइफ में पहली दफ़ा खाई है। अंदर इसके पेस्ट है ऐसा कि अब मैं रिसर्च करूँगा कि भाई वो पेस्ट किस चीज़ की है। ऊपर वॉलनट है और साइड पे कप है, और कप की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसका मुझे नहीं पता, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर मिलेंगी ही नहीं। खाना जी जी बिल्कुल, इसको भी दे देते हैं यार। रश चेक कर रहे हो ना, हर बंदा हमें गुजरने की जगह नहीं है। मेरे मुंह में पानी आ रहा था जब अब्दुल रहमान ट्राई कर रहा था, तो अब आपका भाई खाएगा और
बताएगा कि कैसा। एक से बढ़ के भाई एक ही मजा आ गया। सही बात है, जेन्युइन। मुझे पता कौन सी गाड़ी वाला तो नहीं आ गया, देख लिया सानू तो नहीं ना देख चला गाड़ी। हाँ लेट तो निकल नहीं पता कौन सी वाइब आ रही है। जिस तरह हलवा पाओ ना, हाँ तो उस तरह कोई जिस तरह गाजर के हलवे के ऊपर उस तरह की याद भी टॉपिंग हुई हो अखरोट वाली। वॉलनट पाई का केक है ना ये, लेकिन ये सभी नेक्स्ट लेवल मुझे लग रहा है। बहुत नेक्स्ट लेवल, बहुत मज़ेदार, कभी आगे जरूर ट्राई करना। अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है हमारा ब्राउनी। ब्राउनी इसकी अनरैपिंग हो रही है। आप ये वाइप चेक करो, ये चॉकलेट चॉकलेट लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। और खाता हूँ इसको और आपको, बहुत फ्रेश और बहुत सॉफ्ट लगी है। जब मैंने हाथ में पकड़ी है ना तब आपको खा के बताता हूँ कैसे। जल्दी खाओ, मेरी बारी भी आनी है। ये हमारा कोई पीछे देख रहे हैं स्टोरियाँ मारे रही, पहला ब्लॉग होगा जो अभी तक हम कह रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, जिसमें हर चीज़ एक से बढ़ के एक है। चलो मुझे भी अप्लाई करा दो। करो जेन्युइन वाकई यार, इनकी जो हाइप थी ना हमें यहाँ पे आगे पता चला कि वाकई वो हाइप रियल 200%। मैनेजर भी बता रहे थे कि उन्होंने इसको अपना स्लोगन ही बना लिया कि हाइप इज रियल, तो वाकई हाइप इज रियल। और जो इनकी प्राइस है वो 150 से 200 के दरमियान फॉल करती है, यानी इतने महंगे नहीं, इजी सीन। तो यार मिलेंगे आपको किसी अच्छे नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्ट्रीट फूड को इजाज़त दें। तब तक के लिए इजाज़त नहीं दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।